मीराबाई। गिरधर गोपाल के रंग में रंगी हुई राजरानी मीरा ने उच्च कोटि की व्यक्तिगत भक्ति साधना से केवल अपना ही कल्याण नहीं किया, अपितु समाज, साहित्य और देश का भी कल्याण किया। अपने अंतिम क्षणों में द्वारिकाधीश की ज्योति में विलीन होकर अपनी भक्ति की पराकाष्ठा और गिरधर के प्रति अनन्यता को सिद्ध कर दिया। मीराबाई का जन्म स्थान और जन्म तिथि आज भी विद्वानों की खोज के विषय बने हुए हैं। कोई उनका जन्म मेड़ता जागीर की चौकड़ी ग्राम को मानते हैं, तो कोई मेड़ता परगन के कुड़ली गांव को। इसी प्रकार कोई उनकी जन्मतिथि संवत 1960 के लगभग मानता है, तो कोई संवत 1573 के लगभग मानता है। जोधपुर के संस्थापक प्रसिद्ध राठौर वंश के राजा राव जोधा जी की प्रपौत्री, मेड़ता के राव दूधा जी की पौत्री और राठौर रतन सिंह जी की पुत्री के रूप में जन्म लेकर मीराबाई ने राजस्थान की धरती को तो कृतार्थ किया ही, भक्ति परंपरा को जीवंत भी बना दिया। मीरा की मां का स्वर्गवास अल्पकाल में ही होने से उनका लालन पालन राव दूधा जी की देखरेख में प्रसिद्ध भक्त जयमल के साथ हुआ। बाल्यकाल में ही मीरा में भक्ति के संस्कार जागृत होने लगे थे। प्रथम बार में ही घर में एक कृष्ण भक्त के आगमन पर उनकी उपासना देखकर गिरधर लाल से अनन्यता बढ़ती चली गई। मीराबाई का विवाह जयपुर के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुमार भोजराज के साथ कर दिया गया, परंतु वे अपना सच्चा अंतरंग गिरधर गोपाल को ही मानती थी। विवाह उपरांत राजमहल में पहुंचने के बाद भी उनकी उपासना में कहीं कमी नहीं आई। मीरा की भक्ति से उनके पति भोजराज प्रसन्न रहते, परंतु कुछ दिनों में ही वे स्वर्गस्थ हो गए। लोकराज और मिथ्याडंबर से दूर रहकर मीरा संतों के बीच में खड़ताल और इकतारा लेकर झूम झूम कर भजन गाने के साथ नाचते हुए अपने प्रभु को रिझाने लगी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे। ससुराल पहुंचते ही मीरा की सास को मीरा का रहन सहन अच्छा नहीं लगा और मीरा की एक ननद उदा मीरा से द्वेष रखती थी। मीरा तो कहती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह धन ऐसा है जिसको कभी चोर लूट नहीं सकते और ना उसे खर्च करके घटाया जा सकता है, ये तो दिन दिन सवाया बढ़ने वाला धन है। ऐसी दृष्टि थी मीरा की। पति की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई राणा विक्रम सिंह ने मीरा को तरह तरह के कष्ट दिए। अपनी बहन उदा के संकेत पर फूलों के बहाने पिटारी में काला नाग भेज दिया, परंतु पिटारी खोलते ही नाग पुष्पहार बन गया। इससे राणा सकते में आ गया। सहयोगियों की सलाह पर कि स्त्री पर हाथ उठाना ठीक नहीं, भूखे शेर के पिंजरे में बंद कर दिया। परंतु मीरा की भक्ति धारा से जंगल के राजा शेर ने मीरा के तलवे चाटने प्रारंभ कर दिए। गिरधर गोपाल से मीरा का प्रेम दिन रात प्रगाढ़ होता गया। अब वे गाने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। राजा ने अंतिम रूप से मीरा का काम तमाम करने की इच्छा से हलाहल विष का प्याला भेजा। राजा ने कहलाया कि श्याम सुंदर का चरणामृत है। आनंद और उल्लास के साथ मीरा ने चरणामृत पान कर लिया और हलाहल वास्तव में ही चरणामृत बन गया। मीरा ने स्वयं भक्ति में तल्लीन होकर गाया, विष का प्याला राणा जी भेजो, पीवत मीरा हांसी रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिलिया अविनाशी रे। उदयपुर के राजा विक्रम सिंह से तंग आकर एक दिन उन्होंने गोस्वामी जी को पत्र में अपनी वेदना लिखकर छुटकारे का उपाय पूछा। मीरा निर्भीक थी, उन्हें जरा भी भय नहीं हुआ कि यदि उत्तर का पत्र राजा के हाथ में पड़ गया तब क्या स्थिति होगी। परंतु गोस्वामी जी का पत्र मीरा को ही मिला, जिसमें स्पष्ट लिखा था, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तज्यो कंत ब्रज, बनि तनि महे मुद मंगलकारी, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव महालो, अंजन कहाँ आँख जेहि फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो।
तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राणते प्यारो, जासौ होई स्नेह राम पद, एतौ मतौ हमारो। गोस्वामी जी तुलसीदास का पत्र पढ़कर मीरा को धैर्य बंधा और उन्होंने अब घर बार छोड़ने का निश्चय कर लिया। भक्ति मार्ग में अधिक अवरोध असंतोष देखकर मीरा उदयपुर छोड़कर वृंदावन के लिए चल पड़ी और वृंदावन की रज सिर पर धारण कर संतों के साथ अधिक मस्त रहने लगी। मीरा के भक्ति गीतों की मंदाकिनी प्रवाहित हो चली। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राम सोरठ नाटक गीत रचनाओं में श्री कृष्ण प्रीति के संदेश हैं। मीरा की उदयपुर में विषम परिस्थिति सुनकर राव दूदा जी मीरा को अपने यहाँ मेड़ता लाने के लिए पहुंचे, परंतु मीरा वहां से वृंदावन पहुंच चुकी थी। राव दूदा जी वृंदावन पहुंचे, परंतु विवाह होने के बाद लड़की अपने मायके कैसे रहे? इस भावना के कारण मीरा दूदा जी के साथ जाना नहीं चाहती थी और एक दिन द्वारिकाधीश के मिलन की ललक लिए रात में ही निकल पड़ी और श्री कृष्ण भक्ति में तल्लीन अपने श्याम सुंदर को रिझाते हुए कुछ दिनों बाद मीरा द्वारिका पहुंच गई। राव दूदा जी खाली हाथ वापस लौट आए। द्वारिकापुरी मीरा के भक्ति संगीत से सराबोर हो गई। संपूर्ण नगरवासी मीरा के साथ तल्लीन होकर गाते नाचते। मीरा प्रतिदिन द्वारिकाधीश के मंदिर में दर्शन करती। दिनों दिन मीरा की भक्ति साधना की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी। वे द्वारिकाधीश के निकट पहुंचती जा रही थी। मिलन की उत्कंठा और प्रबल हुई। एक दिन भरी भीड़ में मीरा गाते नाचते द्वारिकाधीश के मंदिर प्रांगण में ऐसी तल्लीन हो गई कि अन्य भक्तगण भी गाते गाते अलौकिक आनंद में भाव विभोर हो गए। द्वारिकाधीश से एक ज्योति निकली जिसने मीरा को सदेह लेकर अपने में प्रतिष्ठित कर लिया। भक्तों की भाव समाधि टूटी। देखा तो मीरा अदृश्य। बहुत ढूंढा परंतु कहीं पता नहीं चला। हार कर जब द्वारिकाधीश की शरण में आए तो मीरा बाई का चीर द्वारिकाधीश के कंधे पर देखकर समझ गए। मीरा सदेह द्वारिकाधीश की मूर्ति में समा गई। पाषाणमयी मूर्ति मीरा की भक्ति से चिन्मयी हो गई। वो मूर्ति आज डाकोर जी में प्रतिष्ठित है। धन्य है मीरा जिन्होंने अपनी जननी जन्मभूमि दोनों को कृतार्थ कर राजस्थान की धरती पर जन्म लेकर समूचे उत्तर भारत में भक्ति की गंगा प्रवाहित की। ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भारत माता को सब्सक्राइब करें।